मणिपुर में जदयू से भाजपा में शामिल होने वाले पांचों विधायक कल रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मिले। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी की उपस्थिति में जेपी नड्डा ने सभी विधायकों का पार्टी में स्वागत किया। जदयू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए विधायकों में केएच जयकिशन, एन सनाते, मोहम्मद अछूबुद्दीन, एलएम खाउते और थंगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। वहीं इस मामले में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मीडिया के समक्ष जदयू के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू से 100% बेहतर पार्टी है। लोग भाजपा को चाहते हैं। सभी नेता अच्छी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमने किसी को नहीं बुलाया। सभी अपनी मर्जी से भाजपा में आते हैं। भाजपा का सरकार आने के बाद और खास करके नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने के बाद में नॉर्थ ईस्ट में जो भाजपा का जो साहस है इंक्रीजिंग डे बाई डे, इसीलिए जनता ये आरजेडी का जो 500 है वो खुद आके शामिल किया, ज्वाइन किया, मर्ज किया। तो आज आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में आके हमने आदित्य जी को हम लोग ऐसे मर्ज कर लिया है करके हमने ज्वाइन मतलब खुशी दिखाने आया। सब आदित्य जी ने भी सब ये हम लोग को लंगियान पहनाया और स्वागत किया। जेडीयू का जो बिहार में जो हो रहा है वो इसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जेडीयू का जो सिस्टम जो है उसे 100 times भाजपा इज बेटर। नॉट ओनली द विधायक कार्यकर्ता लोग जो मतलब वर्कर लोग वो लोग भी आके बीजेपी में ज्वाइन किया है। ये डेमोक्रेसी है, जो ऐसा चीज है, ऐसा घर है, ऐसा घर में आना सब चाहता है, लोग चाहता है भाजपा को। हमने थोड़ी बुलाया उन लोग को, वो लोग ने आके ज्वाइन किया है। बता दें कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने भाजपा पर धन बल के सहारे उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया था।